विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 17 दिसंबर रविवार को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा डोंगर गांव में आयोजित शिविर में पहुंचे। शिविर में कलेक्टर शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित रहे सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान कलेक्टर मां ने नागरिकों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही शिविर में पात्र हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। कस्टावत SDM अग्रिम कुमार द्वारा शिविर में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। स्टॉल में मौजूद ड्रोन सभी के आकर्षण का केंद्र था, जो फसलों पर छिड़काव करने के लिए डिजाइन किया गया है। डोंगर गांव में कृषक घनश्याम काशीराम की खड़ी मक्का फसल में ड्रोन द्वारा माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव कृषकों की उपस्थिति में किया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों को सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। ऐसा नहीं है कि ये कैंप केवल यहीं के लिए है। पड़ोसी ग्राम पंचायत में कल लगेगा, वहाँ आ जाए, वहाँ भी लाभ ले सकता है, वहाँ भी जानकारी ले सकता है, वहाँ भी आवेदन दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ग्राम पंचायत मिस हो गई तो अब हम क्या करें। अगली ग्राम पंचायत में आ जाए, पड़ोसी ग्राम पंचायत में घूम फिर रहे हैं। तो हर ग्राम पंचायतों के लिए ये है और पड़ोसी ग्राम पंचायत के लिए भी है। मैं पुनः एक बार सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ कि आज से ये शुरुआत हुई है और लगातार चलती रहेगी। आप लोग जो है इसका लाभ लें। ये शासन के द्वारा आप लोगों के पास में पहुँचाई गई है। ये जो आप जितने भी आवेदन दे रहे हैं, इन सबका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, इन सबको कंप्यूटर पर फीड किया जाएगा ताकि आपके आवेदनों का निराकरण समय रहते हो सके। कुछ निराकरण आज भी होंगे, कुछ निराकरण आवेदन आपने पहले दिए उनका वितरण का काम भी आज होगा। ऐसे लगातार जो है उद्देश्य ये है कि आप शासन की योजनाओं का लाभ लें, नई चीज़ों को समझें और उसका फायदा अपने किसानी में हो या अपने जीवन के बढ़ोतरी करने में लगे। और अंततः विकसित भारत की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है कि 2047 तक जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, जैसे 1947 में आज़ादी मिली, तो 2047 में जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे और आज़ादी का उत्सव मनाएंगे, उस समय तक हम विकसित भारत जैसी स्थिति में हम आ जाएं, विकसित देश जैसी स्थिति में आ जाएं, जिसमें आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई अमेरिका विकसित है, यूरोप विकसित है, लेकिन हम उतने विकसित नहीं हैं। तो ये समय उस संकल्प की शुरुआत है कि आज हम संकल्प ले रहे हैं यात्रा के माध्यम से कि 2047 तक जब आपके बच्चे जो है वो जवान हो जाएंगे और जवान हैं वो बुजुर्ग हो जाएंगे, वो लोग जो है 47 तक जो है इस देश को विकसित राष्ट्र, जैसे हम बड़ी बड़ी बातें यूरोप और अमेरिका के देशों के लिए करते हैं, ऐसे दूसरे भारत के लिए करने लगेंगे। ऐसी स्थिति हम लोग पैदा करेंगे और वो होगा तभी जब हम और आप सब मिलके पीढ़ी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी मिलके इस काम को आगे बढ़ाएगी, तभी ये संभव हो पाएगा। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों को सबको शुभकामना और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू की है और उनके निर्देशानुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये खरगोन जिले में कल जिला स्तर पर इसका इनॉग्रेशन हुआ। जैसे आपने अभी सामने वैन देखी, इस प्रकार की 11 वैन जो हैं वो पूरे जिले में घूम रही हैं। और जैसे आज आपके यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, ऐसा जिले के 11 केंद्रों पर सुबह और शाम को वो कार्यक्रम हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभी आप लोगों ने देखा कि भाई यहाँ कैंप लगा हुआ है, हितग्राही जो हैं विभिन्न स्कीमों का जो लाभ ले रहे हैं और कुछ हितग्राही जो हैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि इस ग्राम पंचायत में जो केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है जो आप लोगों के लिए है,
उसका लाभ आप लोग लें, पहला तो ये। यदि आपको जानकारी नहीं है उस स्कीम के बारे में तो आप इन विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से, और अधिकारी चूंकि आपके गांव में आए हैं, आज 3-4 घंटे यहां रहेंगे, तो उनके माध्यम से आप पात्रता रखते हैं तो वो जानकारी प्राप्त करें। कुछ नवाचार हुए हैं, यदि दूसरे जिले में नवाचार हुए हैं, दूसरे गाँव में नवाचार हुए हैं, दूसरे राज्य में नवाचार हुए हैं, तो उन नवाचारों के बारे में समझे। जैसे आप देख रहे हैं कि ड्रोन सामने बैठा है, अभी आपको नैनो यूरिया के बारे में बताया, जैविक कृषि के बारे में बताया, तो ये जो ड्रोन है सामने आप दिखाई दे रहा है, अब ये जो है हम लोग, हमारे किसान जो हैं वो ट्रेडिशनल पद्धति से जो है वो छिड़काव करते हैं, दो दो दिन तीन तीन दिन तक रहते हैं, या एक घंटे में जो है पूरे खेत पे छिड़काव कर देगा। जैसे कैमरा जो उड़ता है ना, ये पूरा जो उड़ते हुए आपके पूरे जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कर देगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी आई है, समझना चाहिए, कुछ प्रगतिशील किसान इस पर काम करना शुरू कर दिए। नैनो यूरिया आया है जैसे, तो अभी आप बोरे 40-40, 50-50 किलो के 45 किलो के बोरे उठा उठा के ला रहे हैं, ये 1 लीटर का जो है उतना ही काम करता है। तो ये जो नई तकनीक आई है इसको भी आप समझें, क्योंकि ये सब तकनीकें जो है कई दौर के प्रशिक्षण के बाद में, कई दौर के परीक्षण के बाद में ये गाँव आप लोगों के गाँव में आई है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार। तो एक प्रकार से इन सब चीजों को आपको जानकारी प्राप्त हो, योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो, योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिले, इसलिए ये कैंप आयोजित किया गया है। ये कैंप लगातार आपके ब्लॉक में, आपके जनपद में एक ग्राम पंचायत को कवर करते हुए अगले ग्राम पंचायत, फिर अगले ग्राम पंचायत करते करते 26 जनवरी तक ये लगातार चलते रहेंगे। जैसे आज 2 कैंप हुए हैं, कल फिर अगली पड़ोसी ग्राम पंचायत में होगा, फिर अगली पड़ोसी ग्राम पंचायत में होगा। तो ये चीजें जो है आप लोग अपना प्रचार प्रसार भी करें, आपके माध्यम से अगली ग्राम पंचायतों को भी जानकारी मिले, भैया हमने लाभ मिला है तो अगले आप भी लो, है ना। आपस में चर्चा करोगे तो एक दूसरे को जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें अब पूरे मैं स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, और सर्वे को समूह में बहुत लाभ मिला है, लोन भी दिया है मेरे को बेच लाने के लिए। सर ये आज हम खेत में ड्रोन देख रहे हैं जी। सर ये अभी तक जनरल भारत में इसका उपयोग फोटोग्राफी या इन कामों के लिए देखा, पहली बार देख रहे हैं कि ये किस खेत में काम कर रहा है, तो सर क्या कैपेसिटी है इसकी और किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाएगा, और आज किस कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया जा रहा है। आज ये भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम है, जो उसके अंतर्गत ये यूज़ किया जा रहा है, और डेमोन्स्ट्रेशन उसी अंतर्गत आपको दिखाया जा रहा है। ये 10 लीटर की कैपेसिटी है, 10 लीटर आपका 1 एकड़ में पर्याप्त है, 10 लीटर पानी आपका 1 एकड़ में 7 मिनट में छिड़काव कर देगा। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि किसान को लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी की मात्रा कम पड़ती है, और किसान को फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे किसान को भी बीमारियाँ नहीं होती हैं। तो इसके ऐसे कई लाभ हैं, और ये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर आपकी 2-3 लेबर लगती है इसमें, जबकि ड्रोन आपका 7 मिनट में पूरा एकड़ कवर कर देता है। इसमें किस किस तरीके की दवाई का इसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजिसाइड, और आपके बायोकेमिकल्स सारे यूज हो सकते हैं। किसानों को किस तरीके से अवेलेबल होगा और कहाँ मिल पाएगा ये आप हमें ऑनलाइन कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अपने DDA साहब, SADO के साथ से कांटेक्ट कर लीजिए, उनका संपर्क हमारे से डायरेक्ट है, तो वो किसान उनको संपर्क कर सकते हैं, और वो हमें संपर्क करके हम आपके खेत पे आके इसका स्प्रे कर सकते हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? आदित्य अग्रवाल, भोपाल से। सर ये सबसे आधुनिक तरीके से आप कृषि जो ड्रोन है उससे दवाई का छिड़काव देख रहे थे, आप क्या संभावना देखते हैं इस क्षेत्र के किसानों के लिए, क्या है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह? जी बिल्कुल, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम डोंगरगांव ग्राम पंचायत में हैं, तो हमने आज ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन कराया था, जिससे हम आज जिन किसान भाई के खेत में खड़े हैं इस पर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छिड़क के सारे ग्रामवासियों को दिखाया। तो मेरी चर्चा भी अभी हो रही थी जो ड्रोन के मालिक हैं कि इसका कॉस्ट कितना आता है और कितना लाभ मिलता है, तो इस चर्चा में ये पता पड़ा कि इनकी जो कंपनी है ये प्रति एकड़ की प्राइजेस कभी-कार कोट करती हैं किसानों के लिए, तो डिफरेंट क्रॉप्स के बेसिस पर डिफरेंट प्राइजेस हैं। तो जैसे जो छोटी क्रॉप्स होती है उनके लिए 400 रुपये प्रति एकड़ है, एंड जो बड़ी क्रॉप्स है उनके लिए 800 रुपये प्रति एकड़ है। जैसा आपने भी देखा अभी ड्रोन प्रदर्शन में, 1 एकड़ के फार्म को इन्होंने 7 मिनट में कवर कर लिया,
जो कि व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मैनुअल लेबर लगता है तो उसको बहुत समय भी लगता है, उसमें कॉस्ट भी बहुत हाई आता है। तो हमारे किसान वैसे ही कसरावत के किसान बहुत प्रगतिशील हैं, बहुत ही आधुनिक हैं, प्रोग्रेसिव हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, हमने एक पायलट अभी अभी सोचा है इसको करने का कि हम कम से कम 25 या 50 ग्राम पंचायत को टोटली मतलब ड्रोन से छिड़काव करने का एक प्रोजेक्ट उठाएंगे एंड उसके कॉस्ट एंड उसका आउटपुट दिखाएंगे एंड और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि सभी लोग इसका प्रयोग करें एंड इससे मतलब आय में भी वृद्धि हो, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो एंड मतलब जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होती है, मतलब जब कीटनाशक छिड़का जाता है तो उससे बहुत सारा जहरीले पदार्थ भी कभी कभार खानों में आ जाते हैं, फूड चेन भी हमारी डिस्टर्ब होती है, तो वो सारी चीज़ें मतलब बेनिफिट किसान को यहाँ मिलेंगे। तो ये प्रोजेक्ट एक हमारे जैसे SADO साहब है कृषि विभाग के, उनके साथ मिलकर किसान भाइयों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा जिसको ईयर एंड में और अगले कृषि सीजन में, खरीफ सीजन में हम करने का प्रयास करेंगे। सर कभी कभी देखा गया है कि फसलों पे महामारी की तरह कोई बीमारी आती है, उसमें भी ये कारगर दिखाई देता है कि एक साथ ही कोई सी भी दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है और फसलों को बचाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि अभी चर्चा में यही निकल के आया था कि नीम ऑयल का छिड़काव भी अगर कर दिया जाता है पूरे खेतों में और सभी खेतों में किया जाए, ना कि टुकड़े टुकड़ों में, तो सारे मतलब पंचायत के खेत सुरक्षित रहेंगे। तो वो वाली चीज़ भी हम किसानों को अवगत कराएंगे, उनके संज्ञान में डालेंगे, उनकी सहभागिता लेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऐसी जैसे आपने स्थिति बताई ये कभी उत्पन्न ना हो। तो बेसिकली सहभागिता के साथ, थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखने के साथ और आधुनिक टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने के साथ, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का मेन उद्देश्य है, उसको हम हर दूर पहुंचाएंगे इस यात्रा के माध्यम से और इंश्योर कराएंगे कि कृषि में जितनी उन्नति कसरावत ने ली है उसकी डबल उन्नति हम लेते रहें साल दर साल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।